क्यूज़बिल्लाशीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने 6.2 तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो 6.3 एक्सरसाइज में हमने बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में मिलन करना है। तो पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हम दो मैट्रिक्स को मतलब कब ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स तब ही मतलब कन्फर्मेबल एडिशन के लिए हो सकते हैं जब उनका सेम ऑर्डर हो। मतलब पहली बात यह है कि टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर, और फिर उनको हम क्या करते हैं, उनके हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। देखिए टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ द सेम ऑर्डर एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एडिड। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है 2 0 2 -1, इसमें हमने ऐड करना है बी 0 -1 2 3। तो हम करेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 0 2 -1, और प्लस करना है आपने 0 -1 2 3 को। तो हमने करना ये है कि 2 में पहले हम 0 ऐड करेंगे, फिर हमने 0 में ऐड करना है -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 में प्लस करना है 2 को, फिर -1 में प्लस करना है 3 को। यह हमारे पास 2 प्लस 0 2 0 -1 तो -1, 2 प्लस 2 4 और 3 -1 इक्वल होगा 2 के। तो इस तरह ये हम ऐड कर सकते हैं आगे। मतलब सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए और उनकी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपने पहले देखना है कि क्या जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम है। मतलब पहली बात सेम ऑर्डर, फिर उसके बाद करना है आपने फाइंड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सब्ट्रैक्टेड, फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आती है इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स की तो ये वर्ड है स्केलर से क्या मुराद है। स्केलर होता है जब कोई भी नंबर जो कि हम रियल नंबर के सेट से लेते हैं, एन एलिमेंट, और फिजिक्स में हम
स्केलर जो है, जो सब जो मतलब सब्जेक्ट फिजिक्स है उसमें कहते हैं मतलब ऐसी मतलब ऐसे नंबर या ऐसी क्वांटिटी को जिनकी ट्रैक्शन नहीं होती, तो मतलब नंबर जो है उनकी कोई ट्रैक्शन नहीं होती, इस वजह से एक आम नंबर को भी हम स्केलर कह सकते हैं। इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि एक नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर कहते हैं कि एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सेट में से अगर हम एक एलिमेंट लें तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, स्केलर। तो उसको अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेट है ए 2-1, 3-0, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से फॉर एग्जांपल, तो इधर हम लिखेंगे 2, तो वो 2 यहाँ पर भी आएगा, मतलब 2a इज इक्वल टू 2 × 2-1, 3-0। और अब ये 2 इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2-1 × 2। इसी तरह 3 × 2 and 0 × 2, 2 + 2, 4 − 2, 6 और 0, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। लॉज ऑफ एडिशन पढ़ने हैं हमने मैट्रिसेस के। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और इस लॉ के अंदर हमने देखना कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हों ए एंड बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कि ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि अगर मतलब कोई से दो मैट्रिक्स हो तो आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, मतलब ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है एडिशन के अंदर। इस तरह हम एक मैट्रिक्स ले सकते हैं ए अगर 2-0, 3-1 और बी जो है फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 1, 3, तो अगर हम a प्लस बी फाइंड करेंगे तो इधर हम पहले a को लिखेंगे 2, 0 और 3-1, और इसमें हमने ऐड कर देना b को 1, 2, 1, 3 को। जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड होंगी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले 2 है, 2 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो है 1, तो पहले हम 2+1 करेंगे, फिर यहाँ पे उसके बाद 0 है और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो 2 है, तो यहाँ पे करेंगे 0+2, फिर आगे 3 है, यहाँ पे आ गया 3+1, उसके बाद −1+3, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 3, 2 और 3+1, 4 और 3-1 जो है वो 2। तो ये हमने फाइंड किया ए प्लस बी, उसका फाइंड करेंगे बी प्लस ए। उसके लिए पहले हमें जो है वो बी लिखना पड़ेगा 1, 1, 2, 3, उसके बाद ए 2, 3, 0 और −1, उसका ऐड करेंगे 1+2, 2+0, 1+3 और 3-1, तो 1+2, 3 के इक्वल, 2+0, 2, इधर 4 और इधर 2। तुम देख सकते हैं कि ये आंसर a प्लस बी का और b प्लस ए का, ये दोनों सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करते हैं, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप मतलब जिस मर्जी साइड से ऐड करें आंसर जो है वो सेम आता है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ,
सोसाइटी ब्लॉक के अंदर जो है तीन टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे पास तीन मैट्रिक्स हों ए बी एंड सी, तो इसमें हम कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इसमें अगर पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लें और बाद में सी को ऐड करें, या फिर पहले आप बी प्लस सी कर लें और बाद में ए ऐड करें, तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इसमें अगर हम इसकी पहले मतलब ग्रुपिंग कर लें तो उसे इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इसको हम मतलब जिस मर्जी मैट्रिक्स में ऐड करें उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसा कि हम मतलब रियल नंबर में ऐसा नंबर देते हैं ज़ीरो, अगर हम थ्री प्लस ज़ीरो करें तो आंसर जो है वो थ्री ही आता है। इस तरह मैट्रिक्स जो है अब ज़ीरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है मतलब नल मैट्रिक्स को। तो असल में जो मतलब नल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जो है ज़ीरो के इक्वल होते हैं, वही असल में एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। उसमें यह है कि ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, या फिर ज़ीरो प्लस ए इज आल्सो इक्वल टू ए। इसको हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 5 2 4, इसमें हमने करना है ज़ीरो, मतलब इसमें नल मैट्रिक्स ऐड करना है। तो हम करेंगे 3 + 0 जो है वो 3 के इक्वल, 5 + 0 5, 2 + 0 2 एंड 4। तो फिर से वो ए मैट्रिक्स ही हमारे पास आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नल मैट्रिक्स है असल में वो एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स में। बात है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको मतलब किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करने से जो है नल मैट्रिक्स आ जाए। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के होंगे एडिटिव इनवर्सेस। हम कहते हैं एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, इस तरह एक मैट्रिक्स बी है -1 -2 -3 एंड -4। हम ए प्लस बी करेंगे तो हमें इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 1, उसके साथ यहाँ पे करना पड़ेगा ऐड इसको, और ये प्लस माइनस जो है इधर माइनस हो जाएगा, फिर 2, फिर प्लस माइनस माइनस तो -2 लिखेंगे, फिर 3 के साथ भी इसमें -3 और 4 -4। तो ये आया हमारे पास 0 0 0। तो ये असल में नल मैट्रिक्स है, इसलिए हम कहते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। जो बात आपने यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि एडिटिव इनवर्स जो है वो साइन चेंज करने से आता है। मतलब जो सी एंट्रीज यहाँ पर प्लस हैं वो यहाँ पर माइनस हैं, यहाँ अगर माइनस होंगी तो फिर दूसरे मैट्रिक्स में वो प्लस होंगी। तो अब हम यहाँ से एक्सेस 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 1 5 5 4 9 3
एंड बी इज इक्वल टू 0, 1, 5, 2, 3, 6, 1, 4, -2। तो ये हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इसे हमने फाइंड करना है। सबसे पहले ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए हम पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स को 2, 3, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 3। इसमें ऐड करना हमने बी 0, 1, 5, 2, 3, 6, 1, 4, -2। अभी हमने यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लिया, अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होगी उनको हमने ऐड करना। फिर आएगा 2 प्लस 0, 3 प्लस 1, फिर 4 प्लस 5, उस पर 1 प्लस 2, फिर 5 प्लस 3, फिर 5 प्लस 6, फिर आगे 4 प्लस 1, उसके 9 प्लस 4, उस पर 3 -2। तो उसको लिखेंगे अब 2 प्लस 0 जो है 2 के इक्वल, 3 प्लस 1 4, फिर 4 प्लस 5 9, और 1 प्लस 2 जो है 3, फिर 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 6 11, उसके बाद 4 प्लस 1 जो है 5, 9 प्लस 4 13, एंड 3 -2 1। तो ये हमारा ए प्लस बी का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। हमने फाइंड करना है a a-b। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हम a लिखेंगे, उसके बाद b। तो a-b के लिए पहले a 2, 3, 4, 1, 5, 5 और 4, 9, 3, उसमें माइनस करना है b को, तो b है 0, 1, 5, 2, 3, 6, 1, 4 और -2। इसको जब हम माइनस करेंगे तो इस सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 2 -0, 3 के साथ 1, तो 3 -1, फिर 4 -5, इसके बाद आएगा 1 -2, फिर 5 -3, 5 -6, 4 -1, 9 -4 और 3, ये जो टर्म थी प्लस की थी ये भी एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 -0 2 के इक्वल, 3 -1 जो है 2, फिर आएगा 4 -5, ये आएगा -1, उसके बाद 1 -2, ये इक्वल होगा -1 के, फिर 5 में से 3, तो बाकी 2, फिर 5 -6, ये है -1, 4 -1 3, 9 -4 5, और 3 प्लस 2 ये भी 5 के इक्वल। इसके बाद थर्ड पार्ट है जिसमें हम b-a तो b-a फाइंड करने के लिए हमें पहले b लिखना पड़ेगा, उसके बाद a। पहले b लिखते हैं, हमारे सामने 0, 1, 5, 2, 3, 6, फिर आगे 1, 4, -2, उसके बाद आएगा a 2,
2, 3, 4, 1, 5, 5 और 4, 9, 3। अब करेंगे 0 माइनस 2, 1 माइनस 3, 5 माइनस 4, 2 माइनस 1, 3 माइनस 5, 6 माइनस 5, 1 माइनस 4, 4 माइनस 9, -2, -3। उसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा -2, फिर -2, फिर 5 माइनस 4, 1, 2 माइनस 1, 1, 3 माइनस 5 आएगा -2, 6 माइनस 5, 1, 1 माइनस 4, -3, 4 माइनस 9, -5, -2, -3 आ जाएगा -5 के का। भाई इसका फोर्थ पार्ट है, मैं 2a+3b, इसमें साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और साथ एडिशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद है कि यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। a के साथ 2 है और b के साथ 3 है, तो पहले लिखेंगे 2, फिर यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखेंगे, 2, 1, 4, 3, 5, 9, 4, 5, 3, फिर +3 लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे मैट्रिक्स बी, 0, 2, 1, 1, 3, 4, 5, 6 और -2। अब इनको यहाँ से पहले स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर इनको ऐड करना है। पहले 2 को करेंगे, 2, 2 ज़ार 4, 3, 2 ज़ार 6, 2, 4 ज़ार 8, 2, 1 ज़ार 2, 2, 5 ज़ार 10, 2, 5 ज़ार 10, 2, 4 ज़ार 8, 2, 9 ज़ार 18, 2, 3 ज़ार 6। फिर अब 3 को करेंगे, 3, 0 ज़ार 0, 3, 1 ज़ार 3, 3, 5 ज़ार 15, 3, 2 ज़ार 6, 3, 3 ज़ार 9, 3, 6 ज़ार 18, 3, 1 ज़ार 3, 3, 4 ज़ार 12, 3 को -2 से करेंगे तो आएगा -6। तो इनको हम ऐड करेंगे आपस में, 4+0, 6+3, 8+15, 2+6, 10+9, 10+18, 8+3, 18+12 और 6-6। तो इसका आंसर देखना हमने क्या आता है इनको ऐड करने के बाद, तो 4+0, 4, 6+3, 9, 8+15, 23, 2+4, 8, 10+9, 19, 10+18, 28, 8+3, 11, 18+12, 30 और 6-6 जो है वो 0 के इक्वल। तो ये इसका आंसर आ गया। मैं नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, और इसके साथ हमने करना है माइनस।
इसमें कह रहा है 3a-4b फाइंड करना है हमने, इसका मतलब है यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक टर्म जो है वो ऐड हो रही है, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले हमने टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई करना है। सो लिखते हैं 3a-4b, पहले 3 लिखेंगे, a की जगह पे आएगा मैट्रिक्स a, 2, 1, 4, 3, 5, 9, 4, 5, 3 और माइनस 4, फिर b मैट्रिक्स 0, 1, 5, 2, 3, 6, 1, 4, -2। इसमें हमने पहले नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 4 9s are 0, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 6s are 24, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4-2s are -8। तो अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करें, जो टर्म्स प्लस किए वो माइनस होंगी और जो माइनस है वो हो जाएंगे प्लस। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, तो 6-0, फिर 9-4, फिर 12-20, उसके बाद 3-8, फिर आगे 15-12, फिर आगे 15-24, फिर 12-0, फिर 27-16, फिर 9-, ये माइनस और ये माइनस मिल के हो गया प्लस 9+8। तो देखते हैं 6-0 6 के इक्वल, 9-4 5, 12-20 -8, 3-8 -5, 15-12 3, उसके बाद आएगा 15-24 -9, फिर 12-4 है यहाँ पे, तो 12-4 आएगा 8, फिर यहाँ पे 27-16 11 के इक्वल, फिर 9 और ये प्लस हो जाएगा, तो 9+8 आएगा 17। इसके लास्ट पार्ट है a-2b, ये भी सेम ऐसा ही, इसमें 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह हमने इसके मतलब फर्स्ट 5 पार्ट किए हैं, इस तरह आप 6 पार्ट जो है वो खुद ट्राई कीजिएगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फाइंड द एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने एडिटिव इन्वर्स करने हैं फाइंड जो दिए गए मैट्रिक्स हैं उनका। पहला मैट्रिक्स है ए,
एड इवेंट में आपको बताया था कि आपने साइन चेंज करना है कि उसको ऐड करने से जीरो है, तो मतलब सिंपल उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है, जिसमें जो साइन प्लस है उसको आपने माइनस कर देना है और माइनस वन को प्लस कर देना। ए है 4, 3, 2, 6, इसी तरह बी है अंडर रूट 2, 3, 4 अंडर रूट 3, आगे सी है 1, -7, 4, इसके बाद डी मैट्रिक्स, वन ज़ीरो टू ज़ीरो थ्री -1, -2, 4, -3, इसके बाद ई है 2, 5, -3। यहाँ से हमने इसका माइनस ए फाइंड करना है, चूँकि ये इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, तो जहाँ पर प्लस है वो आएगा माइनस, -3, -2, -6, बी वाला -√2, -3, -4, -√3, और सी वाला आएगा -1, -7, और -4। आगे इनको हमने जो -1 को प्लस करना है और +1 को माइनस करना है, -1, 0, 2, 0, -3, -4, -2, 1, और 3, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया, जो कि असल में -d। फिर आ करेंगे -e फाइंड, 2 है ये प्लस का, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, 3, 1, 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 1, 7, 4, 6 देन शो दैट फोर ए माइनस थ्री ए इज़ इक्वल टू ए। एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है 3b-3a इज इक्वल टू 3b-a। फिर हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे साथ, लिखा है 4a-3a इज इक्वल टू a, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो कि इक्वल है -4a-3a। कह रहे हैं कि 4 के साथ मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 5, -3 फिर साथ मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 5, इसको माइनस करें, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है आपने, ये पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसके बाद इसकी सबट्रैक्शन करनी है।4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो अब इसको माइनस करेंगे, 8-6, 12-9, 4-3 एंड 20-1।
-15, तो 8 - 6 जो है वो इक्वल होगा 2 के, 12 - 9 3, 4 - 3 1, एंड 20 - 15 ये आ गया 5। ये आप देखते हैं कि यही असल में मैट्रिक्स ए है, इसलिए ये जो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, इसलिए हम कह सकते हैं 4A - 3A इज इक्वल टू ए। इसी तरह हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फिर हम देखते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड 3B - 3A, इसका मतलब यह है कि पहले 3 से मल्टीप्लाई बी को, बी था हमारे पास 1 7, वन सेवन 4 6 और ए 2 3 1 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 1 3, 3 7 21, 3 4 12, 3 6 18, बस इस तरीके में हमने मल्टीप्लाई करना है इस सारे मैट्रिक्स के साथ 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। इसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 6 आएगा पहले, 21 - 9, 12 - 3 और 18 - 15, 3 - 6 इक्वल होगा -3 के, और 21 - 9 12 के, 12 - 3 9 और 18 - 15 ये भी 3 के इक्वल। ये पर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो 3B - 1 के, पहले लिखिए मैट्रिक्स B1 7 4 6, माइनस ए जो है वो 2 3 1 5। पहले यहाँ पे आएगा -2, 7 - 3, 4 - 1 एंड 6 - 5 इक्वल होगा यहाँ पर -1, 7 - 3 करेंगे तो आएगा 4, फिर 4 - 1 3 और 6 - 5 ये आएगा 1 के, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 3 को -1 से करेंगे तो -3, 3 4 12, 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है वो जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस 3B - 3A इज इक्वल टू 3B - A। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें कह रहे हैं फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस थ्री वन माइनस थ्री थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू टू माइनस थ्री वन टू। इसके इक्वल होता हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो इक्वालिटी का साइन है वो बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होती हैं। हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल। तो आप इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनको आमने सामने रख के उसकी हम इक्वेशन बनाएंगे और उससे फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसलिए आप इसकी फर्स्ट एंट्री दे सकते हैं, यहाँ पे है एक्स प्लस थ्री और ये टू के इक्वल है। हम लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू और वन वन के इक्वल माइनस थ्री, इधर माइनस थ्री है और इधर से आगे थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू टू। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, इसलिए एक्स इक्वल टू टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस वन, इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन और थ्री वाई टू प्लस फोर, थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स और ये थ्री से मल्टीप्लाई और दूसरे साइड पे जाके डिवाइड होगा सिक्स ओवर थ्री, थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स, तो वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पे टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ ए इज इक्वल टू वन थ्री फोर फाइव, बी इज इक्वल टू फोर सेवन सिक्स फाइव एंड सी इज इक्वल टू टू थ्री सिक्स माइनस टू, प्रूव दैट, यहाँ पे हमने प्रूव करना है ए प्लस बी टू बी प्लस है, ये मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद सेकंड में एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव करना है, ए प्लस बी प्लस सी टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले इसका जो फर्स्ट लॉ है उसको प्रूव करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए प्लस बी के इक्वल, तो ए प्लस बी फाइंड करने के पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए जो कि इक्वल है वन थ्री फोर फाइव और प्लस करना है बी, बी इक्वल है फोर सेवन सिक्स फाइव के। हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा वन प्लस फोर, थ्री प्लस सेवन फोर प्लस सिक्स फाइव प्लस फाइव जिक्वल आ जाएगा यहाँ पर वन प्लस फोर फाइव, थ्री प्लस सेवन टेन, फोर प्लस सिक्स टेन के इक्वल, फाइव प्लस फाइव भी टेन के इक्वल आएगा। ये थी इसकी राइट हैंड साइड। अब फाइंड करेंगे नेक्स्ट वो थे बी प्लस ए, तो इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आपने बी लिखना है और बाद में ए लिखना है, फोर सेवन सिक्स फाइव उसके बाद लिखेंगे बी। तो फोर प्लस वन उसके बाद सेवन प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर एंड फाइव प्लस फाइव, इनको ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पे फोर प्लस वन फाइव, सेवन प्लस थ्री टेन, सिक्स प्लस फोर टेन एंड फाइव प्लस फाइव इक्वल टू टेन। तो जब देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है,
तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका इसका सेकंड पार्ट था जिसमें इसका एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है आपने, जो था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी से ऐड करेंगे बी प्लस सी, तो ए की जगह पे आएगा पहले 1 3 4 5 प्लस आगे b की जगह पे 4 7 6 5 फिर आगे c की जगह पे आएगा 2 6 3 -2। और ये ब्रैकेट शो कर रहे हैं कि हमने इन टर्म्स को ऐड करना है, पर 4 प्लस 2 आगे 7 प्लस 6 6 प्लस 3 एंड 5 -2। वन फोर थ्री फाइव 4 प्लस 2 6 7 प्लस 6 13 ओके 6 प्लस 3 9 5 -2 जो है वो 3 के इक्वल। ठीक है, इनको हमने ऐड करना है 1 प्लस 6 जो 13 प्लस 9 5 प्लस 3 और ये मेरे क्या हमने 1 प्लस 6 जो है वो 7 के इक्वल, 3 प्लस 3 16 4 प्लस 9 13 5 प्लस 3 8 के। तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड अब करते हैं राइट हैंड साइड फाइन। तो वो एक बार ए प्लस बी प्लस सी पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे, एक जगह में सकते हैं 1 3 4 5 इसमें प्लस करना है b, तो के इक्वल है 4 7 6 5 के 2 6 3 -2। पहले हमें जो यहाँ पर ब्रैकेट वाले टर्म्स हैं इनको ऐड करना पड़ेगा 1 प्लस 4 3 प्लस 7 4 प्लस 6 5 प्लस 5 ये टर्म ऐसे 2 6 3 -2। सो इतना कि 1 प्लस 4 5 3 प्लस 7 10 4 प्लस 6 10 5 प्लस 5 10 2 6 3 -2 इनको ऐड करना है। तो 5 प्लस 2 फिर 10 प्लस 6 और 10 प्लस 3 और 10 -2 ऐड करेंगे तो जाएगा 7 16 13 8। हम ये देख सकते हैं कि ये साइड हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये और राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे भी 7 16 13 8 यहाँ पे भी 7 16 13 8। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस 2a इज इक्वल टू बी। यहाँ से मैक्स की वैल्यू चाहिए, इसलिए पहले करेंगे 3x इज इक्वल टू बी प्लस 2a और x इक्वल टू बी प्लस 2a ओवर 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर 3 और b प्लस 2a। पहले b प्लस 2a करेंगे, फिर इसको 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन को। फिर लिखेंगे b टू माइनस 3 4 4, फिर a 2 हमारे पास 3 माइनस 4 और 1। तो 1 ओवर 3 वैसे ही, और इन दोनों मैट्रिसेस पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें ऐड कर देंगे। 2 माइनस 3 4 4, 2 2 4, 2 3 6, माइनस 8 2 1 2। टू प्लस 4 माइनस 3 प्लस 6, 4 माइनस 8 और 4 प्लस 2। प्लस 4 जो है वो 6, 3, 4 माइनस 8 माइनस 2, सॉरी माइनस 4, तो 4 प्लस 2 6। अभी 1 ओवर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 और माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। थ्री वन ज़ार थ्री, टू ज़ार सिक्स, तो टू वन ज़ार टू, इसे कैंसिल हो गया 1। उसके बाद ये आपस में कैंसिल नहीं होता, इसलिए माइनस 4 ओवर 3, 3 टू ज़ार सिक्स और ये आ गया 2। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको।
अच्छा मिसाल में कह रहा है फाइंड ए बी सी डी ई एंड एफ, सच दैट ए बी सी डी ई एफ इक्वल हो माइनस वन माइनस टू थ्री माइनस टू फोर सिक्स। ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए हमें दोनों साइडों पर सिंगल मैट्रिक्स चाहिए। यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, इनको हमें ऐड करके सिंगल पेयर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर हम इसको सिंगल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए माइनस थ्री चूँकि ये माइनस का सिंबल है, साइन चेंज होते जाएंगे साथ साथ, और बी प्लस टू क्योंकि सी माइनस वन डी माइनस फाइव सी माइनस ज़ीरो फिर आगे एफ प्लस फोर। इसके बाद हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, इस तरह ए माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, इसे ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री, तो ए इज इक्वल टू टू ये आ गई ए की वैल्यू। इस तरह बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी प्लस टू इक्वल है यहाँ पे माइनस टू के, तो बी प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू माइनस टू इधर ही ये जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस टू तो बी इज इक्वल टू माइनस फोर। इसके बाद आगे सी की वैल्यू, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, तो सी इज इक्वल टू फोर। इसके बाद डी की वैल्यू, डी माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू, तो डी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फाइव, तो डी इज इक्वल टू थ्री, तो सी ई बल्कि ई माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू फोर, तो ज़ीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए ई इज इक्वल टू फोर। एफ प्लस फोर प्लस सिक्स, एफ इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, तो एफ इज इक्वल टू टू। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर एट, इसमें है कि डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी की फाइंड करनी है। सर दैट ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस थ्री ज़ीरो माइनस वन फाइव इज इक्वल टू टू वन सिक्स माइनस थ्री।
पर हम इसको ऐड करेंगे w प्लस 3 x प्लस 0 y माइनस 1 z प्लस 5। मुझे इक्वल होगा टू वन सिक्स माइनस थ्री के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको एक बार लिख लें w प्लस 3 एक्स वाई माइनस 1 z प्लस 5 इज इक्वल टू 216 माइनस 3 के। w प्लस 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 6 z प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। w is equal to 2 minus 3 and w is equal to minus 1। x की वैल्यू ऑलरेडी थी x is equal to 1, y is equal to 6 plus 1 तो y is equal to 7 और z की वैल्यू z is equal to minus 3 minus 5 तो z is equal to minus 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए बी सी डी देन व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको बताया कि इसका साइन चेंज करने से आएगा, तो एडिटिव इनवर्स इसका इक्वल होगा माइनस ए और वो इक्वल होगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड माइनस डी के। इसको नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है गिवन दैट a is equal to 1 minus 1 2 3 then verify that a square minus 4a plus 5i is equal to 0। वो इस चीज को हमने प्रूव करना है। इसको हमें जीरो के इक्वल लेके आना, तो हम लिखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड वो है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव आई। ए स्क्वायर से हमारा आता है कि मैट्रिक्स से आपको दो बार लिखना पड़ेगा वन माइनस वन टू थ्री वन माइनस वन टू थ्री माइनस फोर ए की जगह पे फिर वन माइनस वन टू एंड थ्री और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बता 1 0 0 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर ये दो जो टर्म है 4 वाली 5 वाली ये मतलब सूरत हाल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, मतलब कोई नंबर जो इन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई लेकिन यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लिकेशन का मेथड अभी तक आपने नहीं सीखा,
ये मतलब बेसिकली आपका 6.4 का मतलब क्वेश्चन है, लेकिन जो यहाँ पे मोटिवेशन यूज़ हो रही है, इसलिए हम इसको अभी मतलब एक मेथड है मल्टीप्लाई करने का, उसके थ्रू थ्रू करेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी पता लगेगी। इसमें यह होता है कि आपने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि यहाँ से आपने इस तरह मूव करना है, यहाँ से आपने ऐसे, मतलब यहाँ से लेफ्ट राइट और यहाँ से अप टू डाउन करना है। मतलब अगर एक टर्म को वन को वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट वन को टू से नहीं करना बल्कि माइनस वन को टू से करना है। मतलब यहाँ से आपने आगे मूव कर देना है राइट साइड पर, यहाँ से आपने डाउनवर्ड मूव कर देना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले वन ने इस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो वन इंटू वन, फिर प्लस, फिर इस माइनस वन ने माइनस टू से मल्टीप्लाई, माइनस वन ने टू से, माइनस वन इंटू टू, फिर इस टू के साथ भी आपने ऐसे करना है कि पहले मतलब यहाँ से फर्स्ट एंट्री ने फर्स्ट एंट्री से और सेकेंड एंट्री ने सेकेंड एंट्री से, तो टू ने वन के साथ होने टू और वन, फिर प्लस आएगा थ्री और टू। मतलब इधर से ऐसे मूव करना है और इधर से डाउनवर्ड मूव करना है। फिर आगे नेक्स्ट, अब हमने इसी कॉलम के साथ भी यही रूल अप्लाई करना है। वन को पहले करेंगे माइनस वन से, फिर प्लस माइनस वन को करेंगे थ्री के साथ, फिर टू को माइनस वन से और थ्री को थ्री के साथ। उसके बाद फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। फोर वन सर फोर माइनस फोर, फोर टू सर एट और ट्वेल्व, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव वन सर फाइव, फाइव जीरो सर जीरो, फाइव जीरो सर जीरो एंड फाइव वन सर फाइव। अब इसके बाद हम देख सकते हैं, मतलब वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन सर वन, फिर इसको करेंगे तो माइनस टू, उसके बाद टू को वन से करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू वन सर टू, फिर थ्री को टू से करेंगे थ्री टू सर सिक्स। इस तरह हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही मतलब बारी बारी इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ऐसा कि मतलब वन माइनस वन माइनस वन के इक्वल, प्लस माइनस माइनस इधर आएगा माइनस थ्री, टू को माइनस से करेंगे तो माइनस टू, फिर थ्री थ्री इधर नाइन। इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो है इन टर्म को भी ऐसे ही आने दें, फोर माइनस फोर एट और ट्वेल्व, और यहाँ से आएगा फाइव ज़ीरो ज़ीरो फाइव। नेक्स्ट हमें पहले जो है हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और अंदर वाली एंट्रीज जो हैं वो ये बाकी दो वैसे रहेंगे। तो यहाँ पे करेंगे वन माइनस टू माइनस वन के इक्वल, और माइनस वन और माइनस थ्री ये भी आपस में इक्वल है तो ये आएगा माइनस फोर के इक्वल, फिर यहाँ पे टू प्लस सिक्स जो है ये एट के इक्वल आएगा, फिर आगे से माइनस टू और प्लस नाइन जो है वो इक्वल होगा सेवन के, सर माइनस फोर एट और ट्वेल्व, ये टर्म भी साथ वैसे ही आ जाएगी। सो नेक्स्ट जो है इनको आपस में हम कर सकते हैं माइनस, या आप इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा लिख के भी आपस में माइनस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें माइनस वन माइनस फोर, पहले हम ले सकेंगे स्टेप नहीं किए, लेकिन इसमें हम ज़रा थोड़े से डिफरेंट तरीके से करें कि आपको ये भी क्लियर हो सके कि हम इन टर्म्स को इकट्ठा लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर तीन मैट्रिक्स आ जाए तो आप तीनों को इकट्ठा भी एक मैट्रिक्स में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या आप इन दोनों को पहले सॉल्व करें और बाद में इसको सॉल्व करें तो वैसे भी चल सकते हैं।
तो यहाँ पर माइनस वन, ये माइनस फोर और आगे प्लस फाइव। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा, फिर माइनस फोर प्लस फोर और आगे प्लस ज़ीरो। इसके बाद एट, फिर ये वाला माइनस एट और प्लस ज़ीरो, फिर आगे से सेवन माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव, इज कैंसिल हो गया ज़ीरो, कैंसिल हो गया इधर ज़ीरो, और सेवन माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव और फिर आगे प्लस फाइव, ये भी ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, और ये आ गया इक्वल ज़ीरो के। इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें कि ये यहाँ से मैंने जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और आंसर जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ए स्केयर माइनस फोर ए प्लस फाइव आई इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। फिर देखिए इफ ए इज इक्वल टू टू फोर वन फाइव एंड बी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू फोर सिक्स, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी ए प्लस बी ट्रांसपोज, पर हैं ए टू फोर वन फाइव और फिर लिखेंगे बी थ्री माइनस टू फोर सिक्स टी ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि पहले हमने इसकी ब्रैकेट साफ करनी है, उसके बाद ट्रांसपोज लेना है। टू प्लस थ्री फोर माइनस टू वन प्लस फोर फाइव प्लस सिक्स, तो इनको ऐड करें तो आएगा फाइव टू फाइव और इलेवन, अब था इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम बनाएंगे कॉलम और कॉलम को बनाएंगे रो। तो ये आगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड, आगे हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो इक्वल ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये हमारी राइट हैंड साइड। पहले लिखेंगे ए ट्रांसपोज टू फोर वन फाइव इसका ट्रांसपोज, फिर आगे लेंगे बी का, फिर थ्री माइनस टू फोर सिक्स ट्रांसपोज लेंगे, तो ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई, ये भी रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, थ्री माइनस टू और फोर सिक्स। टू प्लस थ्री वन प्लस फोर
फोर माइनस टू और फाइव प्लस सिक्स, ये टू प्लस थ्री फाइव, वन प्लस फोर फाइव, फोर माइनस टू टू और इधर इलेवन। ये हम देख सकते हैं कि ये साइड और ये हमारे पास सेम है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके नेक्स्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये हमें दिया गया ए बी एंड सी, तो हमने शो करना है शो दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू टू माइनस टेन एट एंड टू। इसके इक्वल मतलब ए प्लस बी माइनस सी का आंसर जो है वो इसके इक्वल है। तो लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले ए वन टू थ्री माइनस फोर, बी टू माइनस टू फाइव एट, माइनस सी जो कि वन फाइव ज़ीरो टू एक। पहले हमने इकट्ठा किया था, इसको हम अलग अलग करके देखते हैं जो कि आपको दोनों तरीके जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो वन प्लस टू, टू माइनस टू, थ्री प्लस फाइव एंड माइनस फोर प्लस एट, और ये रकम साथ वैसे ही माइनस में ये मैट्रिक्स से आ जाएगा ऐसे ही। फाइव प्लस टू थ्री, ये ज़ीरो, और थ्री प्लस फाइव जो है वो इक्वल होगा एट के, वन से फोर। इसका आपस में करेंगे थ्री माइनस वन ज़ीरो, माइनस फाइव एट माइनस ज़ीरो एंड फोर माइनस टू। यहाँ पे जो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे आप माइनस टू जो है इसकी जगह पे था यहाँ पर माइनस सेवन कर लीजिए, यहाँ पे आएगा माइनस सेवन, ये माइनस सेवन, इधर बनेगा ये माइनस फाइव और यहाँ पर आएगा बनेगा माइनस फाइव। तो ये क्वेश्चन में से जिसकी वजह से आगे से थोड़ी सी
वही मिस्टेक चलती है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। सेवन सेवन माइनस वन जो है वो इक्वल है टू के, और ये माइनस टेन, और ये एट, और यहाँ पे टू, और यही हमने प्रूव करना था इसमें कि ये टू माइनस टेन एट और टू के इक्वल है। तो इसमें हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए हैश रूट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू टू माइनस टेन एट एंड टू। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज नंबर 6.3। जो हमने सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह कल 6.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।